अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज बनाने जा रहे हैं हम चिकन वाइट हांडी। सबसे पहले इसके लिए हमें पैन में ऑयल चाहिए। मेरे पास हांडी नहीं थी इसलिए मैंने कढ़ाई में ही बनाई है, लेकिन अगर आपके पास मिट्टी की हांडी हो तो उसमें बहुत ज़बरदस्त बनेगी। मैंने कढ़ाई में सबसे पहले 100 ग्राम जो है वो तेल डाल दिया था, और उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया तकरीबन 2 टेबल स्पून, और इसको हल्का सा मैं भून लूँगी कि इसका लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए, इसकी ये खुशबू आने लगे। तो इसके अंदर जो है मैं चिकन डाल दूँगी। चिकन मैंने ये बोनलेस और बोन दोनों थी, ये मैंने 700 ग्राम जो है वो चिकन डाली है, और अब हम चिकन को थोड़ी देर भूनेंगे। अच्छा, आंच जो थी वो मेरी मीडियम से थोड़ी हाई फ्लेम पर मैं कर रही थी इसको कुक, ताकि इसका अच्छे से जो है वो पानी खुश्क हो जाए और इसकी खुशबू एक अच्छी सी आ जाए। फिर इसको 5 मिनट भूनने के बाद हमने इसके अंदर ये 1 अदद प्याज है जिसको मैंने स्लाइस में बारीक काटा हुआ है, और 3 से 4 हरी मिर्चें। ये हरी मिर्चें बिल्कुल फीकी वाली थी, हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं और शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, दोनों ऑप्शनल है जो भी अवेलेबल हो। बस इसको हम 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भूनेंगे। इसको कोई हमने सॉफ्ट नहीं करना है या प्याज का कलर नहीं चेंज करना, बस 2 मिनट के लिए भूनना है। फिर इसके अंदर हमने नमक डालना है हसबे जायका, काली मिर्च डाली है 1 चम्मच, छोटी चाय की चम्मच, इसमें हमने भुना हुआ ज़ीरा डाला है 1 टेबल स्पून, और इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून डाला है धनिया पाउडर। बस अब हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे, 5 से 10 मिनट तक हमने भूनना है, ताकि मुर्गी के जो है अच्छे से मुर्गी और मसालों का जो है टेस्ट एकदम मिक्स हो जाए और अच्छे से पक जाए। फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप क्रीम। क्रीम कोई सी भी आप डाल सकते हैं, ये मैंने 1 कप डाली थी, और इसके बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो तिल भी डालेंगे। बहुत इजी सी डिश है और बहुत मज़ेदार सी बनती है, जल्दी बन जाती है, ना ज़्यादा टाइम लेती है ना कुछ। अच्छा, फिर इसके अंदर मैंने 1 ग्लास भर कर जो है वो मिल्क डाला था, और मिल्क डालने के बाद हम इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह नहीं डालेंगे, क्रीम और मिल्क के अंदर ही अच्छे से पक जाएगा। इसको मैंने कवर करके रख दिया था ताकि ये जो है 10 मिनट तक अच्छे तरीके से पके और थोड़ा सा रिड्यूस भी हो जाए। ये देखें, ऑयल अब ऊपर आ गया, हमारी हांडी बिल्कुल तैयार थी, झटपट से बन जाती है, बहुत यम्मी बनती है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा, कम मसालों के साथ बड़ी ज़बरदस्त सी रेस्टोरेंट स्टाइल में वाइट की हांडी। आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।